17वीं लोकसभा में अपना आखिरी भाषण देते हुए विपक्ष के नेताओं के लिए एक भविष्यवाणी की थी प्रधानमंत्री मोदी। आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी। और मैंने सुना है बहुत लोग अब लोकसभा के बजाय राज्यसभा में जाना चाहते हैं, तो स्थितियों का आकलन करके वो अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। 9 दिन पहले मोदी ने जो कहा उसे कांग्रेस ने आज सच साबित कर दिया। सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए पर्चा भर के यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट छोड़ दी। मुझे बहुत खुशी है, मेरे पास शब्द नहीं, किन शब्दों में हम प्रसन्नता व्यक्त करें उनके फैसले का। उन्होंने चयन किया अगर राजस्थान का, तो आप सोच सकते हो कि हम सबके लिए कितने बड़े गर्व की बात है। लेकिन सोनिया गांधी के इस फैसले के बाद कई बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल नंबर 1, क्या सोनिया गांधी को रायबरेली सीट पर हार का डर सता रहा था? ऐसी खबर आ रही थी कि पार्टी के अंदरूनी सर्वे में ये बात सामने आई थी कि कांग्रेस रायबरेली सीट जीत सकती है, लेकिन सोनिया गांधी के लड़ने पर भी जीत का अंतर घट जाएगा। सबसे बड़ी नेता कांग्रेस की सोनिया गांधी ही। अब कांग्रेस थकी है या सोनिया जी थकी है ये तो जनता निर्णय करेगी, लेकिन थक तो जरूर गई है। हमारी शुभकामना है कि वो राज्यसभा में आए। सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस ने 2024 की लड़ाई से पहले ही हार स्वीकार कर ली? सवाल इसलिए क्योंकि यूपी की 80 में से 20 सीटों का दावा ठोकने वाली कांग्रेस सिर्फ रायबरेली की एक सीट पर सिमटी हुई थी। अब सोनिया गांधी ने चुनाव से तौबा कर ली तो यूपी में कांग्रेस के लिए एक सीट जीतना भी टेढ़ी खीर हो जाएगा। सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस ने मान लिया है कि उत्तर भारत में मेहनत करने का कोई फायदा नहीं? पूरे उत्तर भारत में अब तक किसी भी राज्य में सहयोगियों के साथ सीटों की साझेदारी पर कांग्रेस की बात नहीं बन पाई है, इसीलिए उत्तर के राज्यों के बजाय जीत के लिए दक्षिण भारत में ज्यादा जोर लगा रही है। ये सही है कि वो उनकी ट्रेडिशनल सीट है, ये पार्टी की उनकी अपना फैसला। सवाल नंबर 4, क्या कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी से सीधे नहीं टकराना चाहती? पीएम मोदी ने 2024 में 400 प्लस सीटों का टारगेट सेट किया है, जिसके लिए यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी का पूरा फोकस है। 2019 में अमेठी सीट से खुद राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं, शायद यही वजह है कि कांग्रेस रायबरेली से सोनिया को लड़ाने का रिस्क नहीं लेना चाहती। तब कांग्रेस पार्टी भी वो चलाएंगे, हमारी पार्टी है, हम निर्णय लेंगे, और हमारे लिए गर्व का विषय है कि सोनिया गांधी मेरे राज्य से, राजस्थान से राज्यसभा में सांसद बनेंगे। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान लगभग सफल हो चुका है? बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने से कई राज्यों में जीत की रही सही आज भी खत्म हो रही है, और अब 2024 चुनाव से पहले सोनिया गांधी ने भी रायबरेली वाला किला छोड़ दिया। इसलिए सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस फैसले से कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल टूट जाएगा, क्योंकि सोनिया गांधी अब ना तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और हो सकता है कि प्रचार में भी ना दिखे। सोनिया की गैर मौजूदगी में प्रियंका गांधी प्रचार की जिम्मेदारी संभालती थी, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहता था, लेकिन हाल के दिनों में प्रियंका की सक्रियता भी काफी घट गई है।